स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ए योजना में प्रस्तावित संशोधन, बी सरकार से और जानकारी मांगी, सी योजना को अमान्य कर दिया, डी इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा। आंसर, सी योजना को अमान्य कर दिया। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ वाली अदालत ने 15 फरवरी 2024 को घोषणा की कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है। अगला प्रश्न, 2024 T20 विश्व कप कहां आयोजित होने वाला है? ए कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी भारत और श्रीलंका। आंसर, ए कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन, 2024 T20 विश्व कप 1 जून से 29 जून तक कैरेबियन और यूएसए में होगा, जिसमें 20 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 स्थानों और कैरेबियन में 6 स्थानों का उपयोग करेगा। रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न, IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए आलोक सिन्हा, बी संजय कुमार जैन, सी राजीव प्रसाद सिंह, डी अलक पांडे। आंसर, डी संजय कुमार जैन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। संजय जैन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट CA रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी देहरादून। आंसर, डी देहरादून। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। अगला प्रश्न, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहां स्थित थी? ए प्रशांत महासागर, बी उत्तरी सागर, सी बाल्टिक सागर, डी भूमध्य सागर। आंसर, सी बाल्टिक सागर। एक्सप्लेनेशन, शोधकर्ताओं को बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है। ये दीवार 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी मानव निर्मित संरचना हो सकती है। इसमें लगभग 1,700 पत्थर हैं, जिनमें अधिकतर टेनिस और फुटबॉल के आकार के हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि दीवार का निर्माण शिकार के उद्देश्य से किया गया था। लगभग 8,500 वर्ष पहले इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिससे ये शुष्क भूमि से जलमग्न भूमि में परिवर्तित हो गई थी।